नमस्कार, मेरा नाम वरुण है। जिस लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो जान लो। तो यहाँ पे हम नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे पास कुछ सेटअप आया हुआ है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और ये ब्लॉगिंग का हेल्प करता है। ट्राईपॉड और बेसिकली माइक वगैरह है बोया का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग के सामने इसको अनबॉक्स करूँ और हम देखें इसमें क्या हो सकता है। सो इसको खोलते हैं यहाँ पे रख के। तो भाई लोगों, ट्राईपॉड सेट हो गया है और ये रहा मेरा बॉक्स यहाँ पे, और ये मेरा पेपर नाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। श्री गणेश है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर लगा हुआ है। चलो सेफ्टी बंद कर लेते हैं। गर्मी बहुत है यार, हर जगह जहाँ भी जाओ तो पसीना आ रहा है। ये बोया का सेटअप है। यहाँ पे देखो आप, इतना नहीं कुछ करता हूँ आपको। तो ये बोया का ये सेटअप है, ये सब लिखा हुआ है फाइनली। और इसके पीछे ये 11,995 का है, बट मुझे ये पड़ा है 5,500-6,000 के आसपास का फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट प्लस को मैंने वहीं से लिया। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। बोलते हैं इसको, ये सील लगता है। बॉक्स इसमें ये सब सेटअप। सबसे पहले कुछ रीडिंग मटेरियल देखे हैं उसमें, बोया और कैसे सेटअप करना है। प्लान प्लान एक बोया के दो स्पीकर्स हैं आप, और ये क्या है, शेंजन ज़ियान फोटो वारंटी पॉलिसी। वारंटी ये सुखाने के लिए भी लग रहा है। तो सबसे जो भयंकर चीज़ लगती है वो ये माइक है। ये गर्मी भी लगता है, ये माइक है। और ये डिटैचबल है, मैं हाथ पोस्ट करूँगा। ये डिटैचबल है, ये कुछ इस तरीके से। अभी मैं दिखा पाता हूँ, मैं अभी साइड में देखा। तो ये लाइट है इसकी, ऐसे इसको माउंट करना पड़ेगा लाइट से। और ये रहा माइक का केस, थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। फुली चला है सी। मैं प्राइस के बारे में बात कर रहा था। सो प्राइस इसका कट चुका है थोड़ा साइड में, तो 5,000 कुछ आप देख सकते हो। 5,000 समथिंग इसका दिखा रहा है, 5,500 है, मैं बता देता हूँ क्लियरली। तो ये एक्सटेंडर है कुछ इस तरीके से लगेगा अंदर, मुझे पता नहीं। और स्टिकर एक और पता नहीं किस चीज़ का, इसको रख देना साइड में। ये मेरे ख्याल से माउंट क्लैम्प करने का है, और ये मोबाइल लगाने का इधर, और कुछ इधर, और मतलब ये ऐसा कुछ था तो सब निकल चुका है। ये भी निकाल के देख लेते हैं क्या है ये। सी तो ये दो ऑक्स टू ऑक्स केबल, ऑक्स टू ऑक्स दो केबल्स हैं, और एक यूएसबी टाइप सी, नहीं टाइप सी नहीं है सॉरी, मिनी यूएसबी और टाइप बी है, और ये टाइप है। ठीक है, तो ये हो गया अनबॉक्सिंग का। अब माइक दिखा देता हूँ। कोई माइक ऐसा है ये, ठीक है। इसको आप देख लो पूरा ऐसा है, इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। मैं इतना देखा था वीडियोस में। सो दिस इज़ द माइक। काफ़ी मतलब सॉलिड बिल्ड लग रहा है, कुछ ऐसा तो दूसरा नहीं लग रहा है, बढ़िया है। सो बढ़िया है। बालू बालू, चलो सब वापस डाल देते हैं इसमें, इन्जॉय करें अंदर। चलो फिर दिखाते हैं आपको इसको यूज़ करके। मैं जस्ट शूट करता हूँ और हाथ में लेके आपको दिखाता हूँ कि कितना ईजी है। और अगर जैसे अभी ये फ़िलहाल फ़ोन से शूट हो रहा है, तो इसके जो फ़ोन के कैमरे माइक हैं उसको यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, इसको यूज़ करूँगा इस माइक को इस अपने सेटअप के साथ में। और आप बताना कि क्या मतलब चेंजेस आए कि नहीं आए, और चेंजेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि मैं आपसे रिव्यू चाहता हूँ इसका। और बाय द वे, मैं फ़ोन जो यूज़ कर रहा हूँ वो आईफोन 12 है, और इसके साथ ही मैं लगाने वाला हूँ इसका, तो नेक्स्ट फ्रेम में वही आएगा। तो गाइज, ये सब इसका सेटअप है। अब मुझे पता था कि ये लोग ना इस माइक को जोड़ने के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, और आईफोन में ये होता नहीं है, ये वाला ऑक्स वाला 3.5mm जैक। तो मैंने एप्पल से ये ऑर्डर कर दिया था। सो अभी मैं इसको दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। एक सेकंड,
तो ये जो है स्कूटी ओपन करते हैं, कुछ दिन पहले एप्पल से आया था बट मैंने इसको अभी तक निकाला नहीं है। तो ये है, ये कनेक्टर है बेसिकली लाइटनिंग टू ये वाला, और इसको खोल देते हैं। इसका बिल वगैरह था तो इसमें ये मिलता है, बहुत छोटा सा चीज़ है बट बहुत हेल्पफुल है। इसकी मदद से हम इसको ये जोड़ पाएंगे। अब इसको जोड़ के चलो अब टेस्ट करते हैं। तो गाइज़ अब मैंने ये जोड़ दिया है, ये पूरा सेटअप, और अभी माइक में कोई डिफरेंस है, और चलो हम थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं, फिर आप उसको अच्छे से जज कर पाओगे। वेट, तो अभी चलते हैं रूम से बाहर और देखते हैं क्या माइक में साउंड कैप्चर हो रहा है, नॉइस वगैरह। बोलो, रहने दो, तुम कुछ मत बोलो, तुम नहीं बोल पाओगे। क्या सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो? गाने सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो गाने तुम? अच्छे लगते हैं। कौन सा गाना है ये? मटर गश्ती। अच्छा, हाँ मम्मी फिर बोलो क्या बोले। दिख रहा है सही? सही दिख रहा है। अच्छा। सही है, लग रहा है ये? अच्छा दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया। देखो सही लग रहा है ये, ब्लॉक करने वाला। बोलो कुछ और। हेलो हेलो जॉनी, हेलो बोलो, हेलो बोलो। देखो क्या है ये, सुनो क्या है ये, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जॉनी को, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो भाई इसमें एक चीज़ और है, इसमें लाइट भी मिली है साथ में, तो मैं ज़रा लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये लाइट है और इसकी इंटेंसिटी स्लो मीडियम मोर, तीन चीज़ें। पट गया इससे, पैर पड़ गया मेरा। तो ये हो गया। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ शीशे में कि किस तरीके से ये है। सो ये देख सकते हैं आप, ऐसे सही है। तो ये लाइट लगी हुई, इसको कम कर देते हैं। ये लाइट लगाई मैंने यहाँ पे, और ये माइक हो गया जो कि इस तरीके से, सॉरी माइक है यहाँ पे, ओके। इसको कनेक्ट करा हुआ है यहाँ से। सो और ये बोया का ये पूरा सेटअप है, इसमें आप इसको खोल भी सकते हो ऐसे करके, और रख सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। अब ये जो लाइट है इसको ऑन कर देते हैं। तो इसमें तीन सेटिंग्स हैं, सो 1, 2, 3, ओके। सो इस तरीके से पूरा चलेगा, और आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा। तो अब बात आई एडिटिंग की, लाइट ऑफ कर देते, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ लाइट ऑफ कर देते हैं। सो बात आई एडिटिंग की, एडिटिंग कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या करने वाले हैं, तो भाई मज़े करने वाले हैं। जो दिल में आया वो बात करेंगे। दूसरा चैनल ऑलरेडी बना हुआ है ऑटोमोटिव कार्स और बाइक्स के बारे में, बट मुझे लगा कि मैं उसमें अपने दिल की बात आपसे नहीं बोल पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया चैनल बनाया जाए, और उसमें 1-to-1 फेस टू फेस जो मैं हूँ रियलिटी में, वो मैं आपको दिखाऊँ। तो चलो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, और आने वाले ब्लॉग में मैं आपको और थोड़ा सा एक्सपोजर दूंगा मेरी लाइफ के बारे में, और थोड़ा सा बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, चलते रहिए हमारे साथ, मज़े करते रहिए हमारे साथ, और जीते रहिए हमारे साथ। सो बाय, टेक केयर।